इसी शब्द को कह के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे कहकर प्रथम मंत्र है ये द्वादशाक्षर मंत्र, जो वेदों में वर्णित है, अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इस मंत्र को कहने के बाद, लिखने के बाद, व्यास देव जी 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। जैसे आपने सुना, किसी भी कार्य को करने के लिए, करने के पहले और ठीक तरह से उसकी समाप्ति हो जाए, मंगलाचरण किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। किसी भी बुक का पर्पट लिखने के पहले उसका मंगलाचरण किया है, जिसे हम लोग प्रतिदिन कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी मंगलाचरण किया है, चेतन चरितामृत को लिखने के पहले। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और इसके बाद श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही श्रील व्यास देव जी ने सारे संसार के सामने इस तरह से बतला दिया, कह दिया कि अन्य सारे धर्मों को त्याग कर भगवान के शरण ग्रहण करो। जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी अचीवमेंट के लिए कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, त्याग बहुत आवश्यक है। जीवन में त्याग का बहुत महत्व है, बहुत जरूरत भी है। विशेषकर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, ये जितने भी भक्त हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जिन लोगों ने भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हैं, आध्यात्मिक जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, उन सब ने कुछ न कुछ त्याग किया है। त्याग बहुत आवश्यक है। एक बार एक महात्मा, एक बहुत बड़े महात्मा एक स्थान में प्रवचन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने 6 दिन तक प्रवचन किया। बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया था, उसका प्रसादम स्पॉन्सर किया था, कथा को स्पॉन्सर किया था, लेकिन वो लोग सुनने के लिए नहीं आते थे भगवान की कथा। लेकिन 7वें दिन सभी लोग आए, तो आए ये बड़ी बात है। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए 7वें दिन काफ़ी लोग आए कथा सुनने के लिए। और क्योंकि ये प्रवचनकर्ता बहुत महान थे, बहुत बड़े वैरागी थे, तो लोगों ने कहना प्रारंभ किया 7वें दिन की कथा के पश्चात कि महात्मा, आप बहुत वैरागी हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े त्यागी हैं। तो कुछ देर तक उन महात्मा ने देखा उनकी तरफ, और देखने के बाद कहते हैं, हम त्यागी नहीं हैं, वास्तव में महात्यागी तो आप लोग हैं, हम त्यागी नहीं हैं, आप लोग महान त्यागी हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों, हम लोग कैसे महान त्यागी हो गए? हम लोग तो अपना बिजनेस करते हैं, फैमिली में रहते हैं, और बहुत चीज़ों से अभी हमें आ सकती है, ना अपना घर छोड़ा, ना द्वार छोड़ा। वास्तव में आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की कथा के प्रचार में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण कर रहे हैं और दूसरों से भी करवा रहे हैं, तो त्यागी तो आप हुए। तो उन्होंने कहा, हम त्यागी नहीं हैं, त्यागी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का ही त्याग कर दिया है, तो इसलिए त्यागी आप लोग हैं। जिनका त्याग कदापि नहीं किया जाना चाहिए, उनका ही त्याग कर दिया है, तो त्यागी तो आप लोग हुए। ना छोड़ने योग्य वस्तु को भी आपने छोड़ दिया है। जहां से भगवद गीता समाप्त होती है, वहां से श्रीमद् भागवतम प्रकट होती है, शुरू होती है।
श्रीमद् भगवत गीता कहाँ पे समाप्त होती है? सर्व धर्मान परित्यज्य। अब इसे भगवान का अनुरोध समझ लीजिए, भगवान का आदेश समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण ले लो, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करूंगा, मुक्ति दूंगा। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसी बात को व्यासदेव जी कहते हैं। क्या कहते हैं व्यासदेव जी? धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। क्या कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो, उसी बात को भगवद गीता जहां समाप्त हुई थी उसी बात को प्रारंभ में सबसे पहले श्री व्यास देव जी कहते हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। कैतव जितने भी धर्म जो भगवान की भक्ति से अन्यत्र कहीं लेके जाने वाले हैं, जितने भी प्रकार के यज्ञ इत्यादि कर्म हैं, इनका त्याग कर दो, त्याग कर दो। और इस बात को दिखाया जाएगा थोड़े समय के बाद, आप इसे सुनेंगे। त्याग कर धर्म प्रोज्झित, प्रोज्झित छोड़ दो, त्याग दो, दूर हो जाओ। निर्मत सराणाम सताम, और ऐसे धर्म का अनुसरण करो, ऐसे विषय का अनुसरण करो जो निर्मत्सरों का विषय है। निर्मत्सर का अर्थ होता है कि जिनको किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं है। सताम, सताम का अर्थ क्या होता है? जो सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने सत्य का अनुसरण कर लिया है, जो सत्य का भजन कर रहे हैं। सत्य भगवान का नाम है, सताम जो सत्य का भजन करते हैं, जो उस पथ में चलते हैं, साधु बन जाते हैं। साधु बनने का अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं। निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यही एक विषय है श्रीमद् भागवतम, ऐसा विषय है जो त्रिताप का उन्मूलन करेगा। इससे आप आसानी से किसी घास फूस को उखाड़ कर फेंक देते हैं आसानी से, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम त्रिताप का उन्मूलन करेगा, त्रिताप से लोगों को निकाल देगा, ऊपर उठाएगा। और शिवदम, कौन नहीं चाहता है कल्याण? सभी लोग चाहते हैं कल्याण। विश्व में जितने भी बड़े बड़े धर्माधिकारी लोग धर्म का प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं, क्यों? कल्याण करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये एकमात्र उद्देश्य है। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वरः। अगर श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भागवतम के सर्वोच्च ईश्वर जिनमें भगवान का प्राकट्य कराया गया है सारे जगत के लिए, तो यदि भगवान कृष्ण है और श्रीमद् भागवतम है तो दूसरे ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है, दूसरे शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? किम वा परेश्वर। श्रीमद् भागवतम क्या करता है? सद्यः, सद्यः का अर्थ है कि टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है, तुरंत। जैसे ही श्रीमद् भागवतम पढ़ना प्रारंभ किया, सुनना प्रारंभ किया, सुनाना प्रारंभ किया, हृद अवरुद्धते कृत भी सुसुभिस्तच्छना, वैसे ही हृदय के सारे दोष जो हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम। पियो भावुक जनों, इस श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो, ये कितना मधुर है, ये कितना अच्छा लगने वाला है, इसे चखो। गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भूमि भावुक। और बहुत बड़े बड़े भावुकों ने, भक्तों ने इसका आस्वादन किया है, इसे ग्रहण किया है, इसलिए इसे ग्रहण करो। और किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी दो व्यक्ति के लिए
व्यासदेव जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि समग्र सृष्टि को अपनी गोद में लेकर और मंगलाचरण करते हैं श्री व्यासदेव जी। सत्यम परम धीमहि, धीमहि का अर्थ है कि हम प्रणाम करते हैं, मैं प्रणाम करता हूं ऐसा नहीं कहते हैं व्यासदेव जी, धीमहि हम सब प्रणाम करते हैं। तो सारे जगत के, सारे सृष्टि के, सारे लोकों के भक्तों को, श्रीमद् भागवतम पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, बोलने वालों को अपनी गोद में लेकर सबकी तरफ से व्यासदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो देखिए, जैसा आपने सुना, ये कहकर श्रीमद् भागवतम के महत्व को कम नहीं किया जा रहा है ना, कि जहां से श्रीमद् भगवत गीता समाप्त होती है वहां से भागवतम प्रारंभ होता है। श्री प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि बिना भगवत गीता पढ़े श्रीमद् भागवतम को समझना मुश्किल है। तो श्रीमद् भागवतम का भी एक अनोखा महात्म्य है ना। यदि मान लीजिए कि किसी घर में पहले फ्लोर में सीढ़ी हो ही नहीं और दूसरे फ्लोर से फिर सीढ़ी चालू हो तो कैसे ऊपर जाएंगे। तो भगवत गीता का भी एक अपना अलग महात्म है। भगवत गीता पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवतम अच्छे से समझ में आती है। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता उसी तरह से है जैसे कोई स्कूल जाकर ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाना है तो श्रीमद् भागवतम उसके समान है। और फिर बहुत लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, कुछ लोग पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत है। देखिए भगवत गीता इस तरह से पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और उसके बाद चैतन्य चरितामृत भी पढ़ना चाहिए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, अब आप इसका एक उदाहरण सुनेंगे कि किस प्रकार से ऋषियों ने ये करके दिखाया, सारे धर्मों को त्याग के भगवान विष्णु की शरण किस प्रकार से ले। तो अब कथा प्रारंभ होती है और कथा के प्रारंभ में सबसे पहले ओम इस तरह से कहा गया है, ओम। तो कहीं कहीं आपको श्रीमद् भागवतम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अन्यत्र ये दिखाई देखने के लिए ये मिलता है। हमारे गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि भागवतम प्रारंभ होता है ओम से, और ओम का अर्थ क्या है ये भी आपने सुना पिछले, ओम का अर्थ है भगवान। ओम ओकार आकार माकार, सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला, अर्थात भगवान। तो ओम का अर्थ सीधा सीधा होता है भगवान। भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में जो ओमकार है वो मैं ही हूं, किसी दूसरे ने नहीं। भगवान स्वयं इस बात को बतलाते हैं कि ओम मैं हूं, प्रणव सर्व वेदेशु। कथा प्रारंभ हुई और कथा कहाँ हो रही थी, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सोनकादयः, सोनकादयः ऋषयः, वहां पर सोनक ऋषि सामने बैठे हुए थे। लेकिन सोनक आदयः, सोनक के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऋषि थे। तो कितने ऋषि वहां पर बैठे हुए थे, 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे, 88,000 ऋषिगण वहां पे कथा सुनने के लिए आए थे। इस बात को श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन दूसरे पुराणों में, विशेष करके जो आप सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, सोनकादि 88,000 ऋषिगण, ये जो कथा है श्री सत्यनारायण जी की
स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखी गई है। तो इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ पर केवल भागवत की कथा नहीं हुई नैमिषारण्य में, बल्कि और भी बहुत सारी कथाएं हुई थी। तो पूरे जगत में इस बात को एडवर्टाइज किया गया था कि एक यज्ञ का आयोजन किए जाने वाला है, एक यज्ञ किया जाने वाला है। कहां पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में भी एक स्थान है जिस स्थान का नाम है अनिमिष क्षेत्र। अनिमिष क्षेत्र, तो वहां पर यज्ञ किया जाने वाला था। आप जब श्रीमद् भागवतम को आगे पढ़ेंगे तो इसी स्कंद के, इसी अध्याय के, प्रथम अध्याय के और एक श्लोक में, 21वें श्लोक में ऐसा लिखा गया, कलिम आगत आज्ञाय क्षेत्रे वैष्णवे वयम्। कलिम आगत आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। तो इस स्थान का नाम वैष्णव क्षेत्र भी है, जिस स्थान में यह यज्ञ किया जाने वाला था, वैष्णव क्षेत्र। लेकिन विशेष करके इसे अनिमिष क्षेत्र कहा जाता है। तो अनिमिष क्षेत्र कहने से क्या सूचित होता है? कि ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है अनिमिष। भगवान विष्णु को छोड़कर जितने भी जगत में लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी पलक झपकती है ना, हम लोग पलक झपकाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। निमिष महाराज सबकी पलकों में बैठकर पलक झपकाने का कार्य करते हैं। एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जिनकी पलक नहीं झपकती है। भगवान विष्णु अपनी पलक नहीं झपकाते हैं। कभी कभी भगवान सोते रहते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु, एक भक्त कहते हैं विष्णु सोते ही रहते हैं। लेकिन भगवान सोते भी हैं तो बिना पलक झपकाए सोते हैं। बाहर रूप से ऐसा लगे भी कि भगवान की पलक बंद है, लेकिन भगवान की पलक बंद नहीं होती है। भगवान अपनी आंखों को बंद करके भी सृष्टि करते हैं, भगवान प्रलय करते हैं और भगवान पालन करते हैं। तो भगवान की पलकें वास्तव में नहीं झपकती हैं। और भगवान की पलकें नहीं झपकने के कारण भगवान को क्या कहा जाता है? अनिमिष कहा जाता है। तो इस स्थान को, जिस स्थान में यह कथा चल रही थी नैमिषारण्य में, इस स्थान को क्या कहते हैं? अनिमिष क्षेत्र। नैमिषे अनिमिष क्षेत्र, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य एक स्थान है, लेकिन नैमिषारण्य में भी अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष नामक स्थान में ऋषयः सौनकादयः, 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए। क्यों एकत्र हुए? यज्ञ करने के लिए। सामने कहा कि सारे संसार में एडवर्टाइज किया गया था कि एक यज्ञ होने वाला है, एक बहुत बड़ा यज्ञ। वो यज्ञ कितने वर्षों तक चलने वाला था? सहस्र सममासता। समम का अर्थ होता है वर्ष और सहस्र का अर्थ होता है 1,000। 1,000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ वहां पर प्रारंभ हुआ। आज के जमाने में जैसे ही कोई इतना सुनेगा फिर बस धन्यवाद और वो बाहर से निकल जाएगा। क्यों? 1,000 लोग 100 साल जीते हैं, 1,000 साल तक चलने वाला यज्ञ किया जा रहा था, ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, ये सब मैथोलॉजी है और लोग निकल जाएंगे। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये है कि ये यज्ञ किया जाने वाला था द्वापर युग के अंत में या कलयुग के लगभग लगभग प्रारंभ में। तो उस समय लोग बहुत जीते थे। सत्ययुग में लोग कितना जीते थे? 1,00,000 साल।
100,000 जीते सत्ययुग में। जैसे ही दूसरा युग आया सीधे 90% आयु कम हो गई, ह्रास हो गया, तब लोग 10,000 साल जीने लगे द्वापर में, और 90% आयु कम हो गई, तो कितना लोग जीने लगे? हजार साल जीने लगे। कलयुग में 100 साल जीने लगे। तो उस समय लोगों की आयु बहुत होती थी, लोग बहुत जीते थे। उसमें भी बहुत सारे ऋषि तो ऐसे थे जो भले 1,000 साल आयु है लेकिन उससे भी अधिक जी जाते थे, उससे भी अधिक जीते थे। इस कलयुग में आयु कितनी है? 100 साल। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई लोग 100 साल से भी ज्यादा जी जाते हैं। लेकिन अब लोगों की आयु कम होती जा रही है। कलयुग के अंत में लोग 5 साल से 6 साल भी जी जाए तो बड़ी बात मानी जाएगी। लेकिन कलयुग के अभी बहुत लंबा समय बाकी है, अभी केवल 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं कलयुग के, 4,32,000 साल का, तो बहुत लंबा समय बाकी है कलयुग का। तो 1,000 साल तक यज्ञ चलने वाला था, संकल्प किया गया कि 1,000 साल तक यज्ञ चले। तो यज्ञ में मुख्य काम क्या होता है? यज्ञ में किसी भी यज्ञ का मुख्य काम होता है भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान की कथा। कोई भी यज्ञ भगवान की कथा के बिना और भगवान के नाम संकीर्तन के बिना पूरा नहीं होता है। तो दिन में यज्ञ चलता था, शाम के समय भगवान की कथा होती थी। तो क्यों ना 18 पुराणों की कथा हो गई होगी। तो इसीलिए स्कंद पुराण में भी यही शब्द आता है कि 88,000 ऋषिगणों ने प्रश्न किया, सुध गोस्वामी जी ने उसका इस तरह से उत्तर दिया। तो इसी प्रकार 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता, ये यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला था? स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय लोकाय का अर्थ होता है कि जिनकी पूजा, जिनकी स्तुति स्वर्ग के देवता हमेशा करते रहते हैं, जिनकी पूजा स्वर्ग के देवता हमेशा करते रहते हैं, वो है भगवान विष्णु। भगवान अपने एक रूप में स्वर्ग में निवास करते हैं, उपेंद्र स्वरूप से, वामन स्वरूप से भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। और स्वर्ग के देवता भगवान की स्तुति करते ही रहते हैं। पिछले भागवतम के 7 दिन के सत्र में आपने सुना कि 2 बार देवताओं ने भगवान की स्तुति की, एक बार क्षीर सागर के तट पे और दूसरी बार गर्भस्थ भगवान की स्तुति देवताओं ने की। तो स्वर्ग के देवता भी जिनकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर, परम भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्रसन्नता के लिए सहस्र सममासता, 1,000 साल तक चलने वाला ये यज्ञ किया जाने वाला था। तो सारे ऋषिगण वहां पर इकट्ठे थे, सारे ऋषिगण जुटे हुए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे सारे ऋषिगण आए हुए थे। इसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, इस स्थान को नैमिषारण्य। क्यों इस स्थान पर आए, किसी दूसरे स्थान पर क्यों नहीं चले गए? गंगा के तट पे क्यों नहीं चले गए? यमुना के तट में क्यों नहीं चले गए? क्योंकि इस स्थान पे यदि कोई कार्य प्रारंभ होता है तो निर्विघ्न उसकी समाप्ति होती है। इसीलिए एक बार सारे ऋषिगण गए थे ब्रह्मा जी के पास। ऐसा वायव्य तंत्र में, वायु पुराण में लिखा गया है कि सारे देवता गए थे ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया कि कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर यज्ञ करने से यज्ञ उसका फल कई गुना ज्यादा मिले और जहां पर असुर उस यज्ञ को विध्वंस ना कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक मनो में चक्र बनाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि
भगवान विष्णु के जैसा सुदर्शन चक्र छोड़ा होगा। भगवान विष्णु के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। भगवान विष्णु की गदा का नाम क्या है? कौमोद की। भगवान की खड़ग तलवार का नाम क्या है? नंदक। नंदक नाम की तलवार है, सुदर्शन नाम का चक्र है, और कौमोदकी नाम की गदा है। और भगवान के पूरे स्वरूप की तुलना की जाती है कमल के साथ में, और भगवान कमल धारण भी करते हैं। भगवान के शंख का भी नाम है पांचजन्य ऋषिकेश, पांचजन्य उनके शंख का नाम है। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बनाया, और मनोमय चक्र बना के उस चक्र को संधान किया, छोड़ा उस चक्र को। तो सारे ऋषिगण उस चक्र के पीछे जाने लगे, जिस स्थान पर यह चक्र जाकर रुक जाएगा वही स्थान सबसे श्रेष्ठ होगा। तो यह चक्र गया 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 और कहाँ गया? ये नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ नामक स्थान में जाकर वहां पर शांत हो गया। तो यह स्थान परम शांत माना जाता है, यहाँ पर बहुत शांति भी रहती है। और वराह पुराण में यह भी लिखा गया है कि यहाँ पर यज्ञ करने से असुरों की शक्ति कम होती है। अगर उस स्थान में यज्ञ किया जाए तो असुरों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कम होती जाती है। तो इतना श्रेष्ठ स्थान था, इसीलिए इस स्थान में दीक्षा ली गई 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ के लिए। तो यज्ञ चल रहा है, भगवान की कथाएं भी नियमित रूप से होती हैं। लेकिन एक दिन वहां पर प्राकट्य हुआ सूत गोस्वामी जी का। सूत गोस्वामी उस स्थान में आए। सूत गोस्वामी जी कौन हैं? सूत गोस्वामी जी रोम हर्षण जी के पुत्र हैं। रोम हर्षण जी का वध भगवान बलराम जी ने कर दिया था, भगवान बलराम जी ने उन्हें मार दिया था। क्यों? रोम हर्षण जी कथा कर रहे थे, भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे। जब भगवान आए तो सबको खड़े हो जाना चाहिए, सब गुरु आते हैं तो सारे शिष्य खड़े हो जाते हैं, लेकिन बलराम जी सारे गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे गुरु, जितने भी गुरु हैं इस जगत में, सबका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गुरु जब आ गए तो रोम हर्षण जी को खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन रोम हर्षण जी खड़े नहीं हुए। जब रोम हर्षण जी खड़े नहीं हुए तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा उदाहरण नहीं है सारे संसार के लिए, बलराम जी ने ऐसा सोचा। तो उन्होंने केवल एक घास उठाई, घास को तोड़ा और उस घास को से फेंका उनकी तरफ, तो घास ने तलवार का कार्य किया और वहीं उनका गला कट गया, रोम हर्षण जी का। तो रोम हर्षण के पुत्र है उग्रसवा, उग्रसवा सूत गोस्वामी जी। तो सूत गोस्वामी जी को नियुक्त किया बलराम जी ने कथा सुनाने के लिए। तो दूसरे शब्दों में सूत गोस्वामी जी बलराम जी के प्रसाद हैं, बलराम जी की कृपा है सूत गोस्वामी जी के रूप में। तो सूत गोस्वामी उस स्थान पर आए और सूत गोस्वामी को एक आसन दिया गया, एक ऊंचा आसन कथा सुनाने के लिए। तो उस आसन पर सूत गोस्वामी बैठे, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसी समय उनसे पूछा गया होगा। सूत गोस्वामी जी कुछ दिन वहां पर ठहरे, रुके, कथा सुने। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते ही रहते होंगे उस स्थान पर, जहां पे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो पूरे विश्व से लोग आते हैं उस स्थान में कथा श्रवण करने के लिए। तो वहां पर सूत गोस्वामी जी भी आए यज्ञ में भाग लेने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। लेकिन सूत गोस्वामी जी के उच्च स्वभाव को, उनके उच्च स्तर को ऋषियों ने पहचान कर उन्हें ऊंचा आसन दिया और उनसे अनुरोध करते हैं। ता एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुतहुताग्नयः, प्रातुर्हुतहुताग्नयः, रात्रि में विश्राम किया होगा सुखदेव गोस्वामी ने। सुबह उठकर प्रातः काल
हुत हुताग्नयः, अग्नि जलाकर, या जो अग्नि पहले दिन से जले हुई थी उस अग्नि में आहुतियां दी, यज्ञ इत्यादि किया। ऋषियों का कार्य है कि ये यज्ञ करते ही रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। तो जो भी प्रातःकालीन कर्म होंगे उनको करके, जैसे संध्या वंदन होता है, प्रातःकालीन कर्म होते हैं, तो उनको करने के बाद और आहुति देकर यज्ञ में अच्छे से तैयार होकर, पवित्र होकर, इसका अर्थ है कि पवित्र होकर, सारे ऋषियों का मन पवित्र हो गया अग्नि में आहुति प्रदान करके, भगवान विष्णु को तृप्त करके, क्योंकि ये यज्ञ किसके लिए किया जाने वाला था, भगवान विष्णु के लिए किया जाने वाला था, तो उन्हें तृप्त करके सत्कृतम सुतमासीनम, सारे अच्छे कार्यों को करके और अच्छी तरह से सम्मान करके, सत्कृतम सम्मान करके सुतमासीनम, सुत गोस्वामी को एक आसन दिया, एक आसन पर उन्होंने बैठाला और प्रपच्छुर इदम आदरात, और बड़े आदर के साथ उनसे पूछा, विनम्रता के साथ उनसे एक प्रश्न किया। प्रश्न करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? प्रश्नोत्तर। श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रश्नोत्तर है। प्रश्न किए हैं बहुत सारे लोगों ने, कभी सौनक ऋषि ने प्रश्न किए हैं, कभी किसी ने प्रश्न किया है, कभी किसी ने प्रश्न किया है, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, उनका उत्तर दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में परीक्षित महाराज जी ने 10 प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में, अगले सत्र में आप इस कथा को सुनेंगे, कि 6 प्रश्न पूछे हैं सूत गोस्वामी ने, जिनका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो शास्त्रीय प्रश्नोत्तर है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न करना चाहिए, लेकिन किस तरह से प्रश्न करना चाहिए? आदरात। ऐसा नहीं कि मैं तो इसका उत्तर जानता हूं, चलो इनकी परीक्षा लेके देखता हूं इनको कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है, तो कोई भी प्रश्न इस तरह से पूछ लिया, नहीं। आदर के साथ, अपने लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने लिए प्रश्न करना चाहिए। तो सभी ने आदर के साथ प्रश्न किए, किस तरह से प्रश्न किया जाए ये भगवान ने भगवद गीता में बताया है, 4th अध्याय का 34वां श्लोक, चैप्टर 4 वर्स नंबर 34, इसमें बताया गया है। क्या श्लोक है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानस्तत्वदर्शनम्। पहली लाइन में देखिए तो 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। तद्विद्धि, तो पहला भी महत्वपूर्ण है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रश्न किया जाए लेकिन समर्पण के भाव से, परिप्रश्नेन निश्चित रूप से प्रश्न किया जाए लेकिन कैसे? प्रणिपातेन, नम्रता का भाव रख के, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करके नम्रता का भाव रख के, सेवया और सेवा के द्वारा, सेवा करके। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यास आश्रम में बैठा है तो सीधे उछल जाए ऊपर उनके पैर दबा के पूछने लगे कि एक प्रश्न है स्वामी जी बताइए, उचित समय पे जब संभव है तब, लेकिन सेवा का भाव रख के, भगवान की सेवा का भाव रख के, समग्र वैष्णव जाति का, ब्राह्मण जाति की सेवा का हृदय में भाव रख के, और इस भाव से प्रश्न किया जाए, परिप्रश्न सेवा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, और जो ज्ञान जो मिलता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो
उस ज्ञान से। तो ऐसे तो ज्ञान कौन दे सकता है जिसने ज्ञान का साक्षात्कार किया है, ना जो शास्त्रों की बातों को बोलने में निपुण है। ना इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाणी बहुत मधुर है, ना जिनकी भाषा भी बहुत अच्छी है, भाषा बोलने में भी बड़े निपुण हैं, लेकिन यदि शास्त्र की बातों को ना बोलें तो कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन केवल हा 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 ही ये नहीं है, है ना। आध्यात्मिक जीवन क्या है? शास्त्र की बातें बोली जाए। शास्त्र की बातों को जब बोला जाता है, सामने रखा जाता है, तो क्योंकि मनुष्य शास्त्र को सुनता है तो शास्त्र की वो बातें कल्याण करते हैं। यदि ये भी मान लिया जाए कि चलो कोई वक्ता योग्य नहीं है, लेकिन यदि कोई शास्त्र की बातों को बोल रहा है तो मनुष्य सुनता क्या है? शास्त्र को सुनता है। शास्त्र तो शास्त्र की बातें कल्याण करने वाली होती है, शास्त्र की बातें इस जगत से ऊपर लेकर जाने वाली होती है भगवान के जगत में। तद विद्धि प्राणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शना। हो सकता है कि कभी कभी गुरु कठोर हो, लेकिन गुरु की कठोरता गुरु का आशीर्वाद है। जरूरत पड़ने पर गुरु कभी कभी कठोरता से बोलता है, लेकिन उसकी कठोरता से बोलना वो उसका आशीर्वाद है। लेकिन यदि शिष्य में आदर आती, यदि शिष्य आदर के साथ पूछता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है, निश्चित रूप से। इसी तरह से आदर के साथ सरेंडर होकर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कि क्या कहा? कार्पण्य दोस्तो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेत यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो प्रश्न करने के लिए सरेंडर होना बहुत जरूरी है। तो शिष्यस्तेऽहं, भगवान में आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने बहुत बड़ा प्रवचन कर डाला था, ये कहने के पहले बहुत बड़ा प्रवचन कर दिया था प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी सातवें श्लोक तक। भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप थे। चाहते तो पहले भी बोल सकते थे, लेकिन चुपचाप थे। लेकिन जब भगवान ने देखा कि इसने सरेंडर किया है, तो भगवान ने तुरंत गुरु का पद संभाला और ग्यारहवें श्लोक में भगवान सबसे पहले उसे डांटते हैं, सबसे पहले कठोर वाणी में बोलते हैं, असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु सन्नानु सोचन्ति पंडिता। बातें तो करते हो पंडितों जैसे, लेकिन वास्तव में ये मूर्खता है। भगवान सीधे ऐसा कहते हैं पहले ही, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तब। ठीक है, अब ये सुनेंगे। असोच्यानन वसोचस्तम, अर्जुन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो लोग शोक करने योग्य नहीं। प्रज्ञावादांश भाष से, बहुत अच्छी भाषा है तुम्हारी, बहुत अच्छी शैली में तुमने कहा, लेकिन जो विद्वान होते हैं, विद्वान जो होते हैं वो किन के लिए शोक नहीं करते हैं? गतासुन अगतासुन, जो लोग चले गए हो जाने वाले, उनके लिए वो लोग शोक नहीं करते हैं। विद्वान होते हैं वो, लेकिन तुम तो शोक कर रहे हो, तुम मूर्ख हो। प्रथम भगवान ने ये कहा। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसे कैसे मुझे मूर्ख कह दिया, अभी मैंने जो बात की है वो शास्त्रों की बातें की है, शास्त्रों से मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे कैसे आपने मूर्ख कह दिया। अर्जुन ने ऐसा, भगवान ने अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन क्योंकि शिष्यत्व वास्तव में स्वीकार कर चुका था, तो आदरात प्रपच्छ इदमादरात, कैसे प्रश्न किया जाए आदर के साथ, हृदय में आदर का भाव रख के प्रश्न किया जाए। वह मनुष्य, जो मनुष्य भगवान की कथा में श्रद्धा रख के
और वाचक में श्रद्धा रख के श्रद्धा के साथ कथा को सुनता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। ऐसा कहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशस्त्राणि चान्यतः धर्मशस्त्राणि यान्यतः। अब मान लो सूत गोस्वामी ऐसा कहें कि आप लोग मुझसे कथा कहने का निवेदन कर रहे हैं, आप लोग कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ने ये यज्ञ प्रारंभ किया है, इसका क्या होगा? तो केवल उनके मंतव्य को जानकर कुछ लोग, वृंदावन के एक महात्मा कहते हैं कि बकेट में भर भर के पानी लाए और जितने वहां पे यज्ञ कुंड थे सब में पानी डाल दिया, सब बंद कर दिया कि अब हमें यज्ञ नहीं करना है, अब तो हमें केवल कथा सुनना है, केवल कथा। आप आ गए हैं, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? और कथा यज्ञ, वो यज्ञ तो सबसे बड़ा यज्ञ है। एक विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ करते 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 उन लोगों की आंखें भर आईं, आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखें लाल हो गईं। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो अब कुछ समय के लिए हम यज्ञ को विराम देते हैं, अब हम लोग केवल भगवान की कथा सुनेंगे, केवल भगवान की कथा। और किसका आगमन किसका हुआ है जरा ये तो देखें, सूत गोस्वामी आए हैं, सूत गोस्वामी का आगमन हुआ है। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे परीक्षित महाराज से, उस स्थान में सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, तो डायरेक्ट सूत गोस्वामी से इन्होंने कथा सुनी है, तो क्यों ना इनके मुखारविंद से हम उसी कथा को सुने। ये कथा कब की गई थी, ये यज्ञ कब प्रारंभ किया था? जैसे ही परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए इस जगत को छोड़कर, 7 दिन की कथा सुनकर, इस मटेरियल वर्ल्ड को त्याग के जैसे ही वो चले गए, वैसे ही ये यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया था। तो उसी यज्ञ में ये प्रश्न किए गए हैं, उसी यज्ञ में ऋषियः उचु, ऋषिगण कहते हैं 6वें श्लोक में, अभी सारे ऋषि कह रहे हैं, बाद में केवल सौनक जी कहेंगे। इस अध्याय में सारे ऋषि मिलकर ये प्रश्न करते हैं, लेकिन बाद में सौनक ऋषि को सारे ऋषियों का, 88,000 ऋषियों का उनको प्रमुख श्रोता बना दिया गया, और सबकी तरफ से सौनक ऋषि प्रश्न करते थे, सबकी तरफ से। अगर 88,000 ऋषिगण हाथ ऊपर करते हैं, मेरा प्रश्न है, तो किस किस का उत्तर देते हैं सूत गोस्वामी? इसीलिए उन्होंने जाना कि अरे सौनक जी बहुत महान हैं, हम सबके मन की बातों को जानते हैं, तो ये हमारी तरफ से प्रश्न करेंगे। लेकिन अभी ऋषि आचो, एक एक करके ऋषि ऐसा कहते हैं या साथ में कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्यतः। त्वया खलु पुराणानि, आपने निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के पुराण इत्यादि हैं सबको अच्छे से पढ़ा है। त्वया खलु पुराणानि और सेतिहासानि चानघ, और आपने इतिहास को भी अच्छे से पढ़ा है, पुराणों को तो पढ़ा है, कितने पुराने हैं? 18 पुराने हैं और कुछ उप पुराने भी हैं। तो आपने पुराणों को पढ़ा है, उप पुराणों को पढ़ा है, और आपने इतिहास भी पढ़ा है, आप हिस्ट्री भी अच्छे से जानते हैं। तो इतिहास का अर्थ क्या है? महाभारत। कि आप महाभारत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, भगवान की लीलाओं कथाओं को खूब अच्छे से जानते हैं। आख्यातान्य अपिधीतानि धर्मशस्त्राणि अधीतानि, धर्मशस्त्राणि जितने भी धर्म शास्त्र हैं जिसमें भगवान का विवेचन किया गया है और धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम,
धर्म वो है जो स्वयं भगवान ने बनाया है, भगवान ने बताया है, वो धर्म है। श्रीमद् भागवतम भी एक तो भगवान के विषय में है, इसकी रचना किसने की है? भगवान के सत्य वेश अवतार ने, स्वयं व्यास देव जी ने इसकी रचना की है। तो हो गया ना धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। और दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि जब श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरा, तो दूसरी वस्तु की दूसरे ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? श्रीमद् भागवतम। और धर्म की विवेचना 12 महाभागवत करते हैं, तो जो महाभागवत बताते हैं 12 महाभागवत, वही धर्म है। तो धर्म शास्त्र आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने अच्छे तरह से पढ़ा है, और आख्याताने आपने दूसरों को भी सुनाया है, दूसरों को पहले भी बता चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि आप प्रथम बार आज हमें बताने वाले हैं, आपने पहले नहीं बताया, आपने ठीक से इसका पठन पाठन किया है और आपने दूसरों को ये बहुत अच्छी तरह से बताया है। इसलिए कृपा करके आप हमें इन धर्म शास्त्रों के विषय में बताइए। च नघ, ये संबोधन है सूत गोस्वामी जी के लिए, ये बहुत अच्छा संबोधन है। च अनघ, जो हर प्रकार के पाप से रहित हैं, जो हर प्रकार के कपट से रहित हैं। तो कपट से क्यों रहित हैं? यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। क्योंकि ये एक तो स्वयं बलराम जी की कृपा है, ये स्वयं बलराम जी के प्रसाद हैं, इसके साथ साथ इन्हें किसका प्रसाद मिला है? भगवान बादरायण, भगवान बादरायणी का। बादरायण कौन है? श्रील व्यास देव जी। क्यों उनका नाम व्यास देव है, क्यों उनका नाम बादरायण है? क्योंकि जो बेरी के पेड़ होते हैं उनको बदर कहा जाता है, बदर। तो एक स्थान था जहां पर व्यास देव जी का आश्रम है, वहां पे बहुत सारे बेर के वृक्ष थे। यहाँ तो बेर मिलती नहीं है, लेकिन इंडिया में बेर मिलते हैं, भारत में बेर तो सब जानते हैं, बेर। तो बहुत सारे बेर के वृक्ष थे, बहुत सारे बेर के वृक्ष, और वहां पर इनका आश्रम था, उसके नीचे बैठकर ये भजन किया करते थे। तो इनको बादरायण कहा जाता है। इस कथा को आगे ठीक से बताया जाएगा आगे के अध्यायों में, लंबे रूप से बताया गया है। ये ठीक से जानते हैं व्यास देव जी को, और इनको व्यास देव जी की कृपा भी प्राप्त है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठ, व्यास देव जी ने जिन भी शास्त्रों को लिखा है, बताया है, उनको ठीक से समझा है, जाना है सूत गोस्वामी जी ने। और इसके साथ साथ अन्य चा मुनिया, केवल व्यास देव जी नहीं बल्कि अन्य चा मुनिया है ना, कपिल, कणाद, गौतम, ऐसे बहुत सारे ऋषियों की कृपा प्राप्त की है, ऋषियों का संग किया है। तो ऋषियों का संग करने के कारण अनघा, ये हर प्रकार के पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्य ऋषियों का संग करता है, भक्तों का संग करता है, भक्तों से मिलता है, तो भक्तों से मिलकर क्या करता है? भगवान की कथा ही करता है। तो भगवान की कथा करने के प्रभाव से हर प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान के भक्तों से मिलना क्यों कल्याण करने वाला है? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, क्यों? क्योंकि साधु संग होने से भगवान की कथा होती है, जहाँ साधु संग होता है वहाँ भगवान की कथा होती है। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, भगवान की जहाँ कथा होती है, साधु संग होता है, वहाँ भगवान की कथाएं होती हैं। और कथा होने से लोग पवर्ग से निकलकर अपवर्ग में जाते हैं, अपवर्ग वर्त में भगवान के धाम चले जाते हैं।
तो इसीलिए साधु संघ कल्याण करता है, हर प्रकार के पापों से मुक्त करता है। फिर कहते हैं, वेत्थ त्वं सौमितक सर्वं तत्वतस्तदनुग्रह ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति, गुह्यम आख्याति प्रक्षति। एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को पूछना और उसी रूप में उसको बताना, किस तरह से पूछना भी सुना आपने, आधी रात आदर के साथ में पूछना। किस प्रकार से पूछना? भगवत गीता के अनुसार, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, सेवा के द्वारा। वेत्थतम सौम्य तत् सर्वम, हे भगवान आप सौम्य हैं, हे सूत गोस्वामी आप सौम्य हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप विनीत हैं और आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है। यदि आप सौम्य हैं तो आप ना समझ में आने वाले विषय को भी बड़ी सरलता से आप समझा देंगे, बहुत अच्छे से आप समझा देंगे, तो आप सौम्य हैं। तत्सर्वम तत्वतस्त अनुग्रहात, और क्योंकि आपको सबकी कृपा प्राप्त है। आपने सुना किस किस की कृपा प्राप्त है? सबसे पहले तो भगवान बलराम जी की कृपा प्राप्त है, बाद रायण व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त है, लेकिन अन्य च मुनियः, और भी बहुत सारे मुनियों की आपको कृपा प्राप्त है। तो इसीलिए आप निश्चित रूप से आप हमें ज्ञान दीजिए, हमें भगवान की कथा सुनाइए। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, बड़े लोगों का ये सौभाग्य होता, ये स्वभाव होता है, सौम्य ऋषियों का ये स्वभाव होता है कि वे अपने स्निग्ध शिष्य को, अपने प्रेमी शिष्य को गुह्य बातें भी बतला देते हैं। कभी कभी ऐसी बातें भी बतला देते हैं जो बहुत गोपनीय हैं, जो भगवान की भक्ति में शीघ्रता से लगाने वाली हैं, ऐसी ऐसी बातों को भी बता दिया करते हैं। तो कृपा करके आप हमें भगवत ज्ञान दीजिए, आप हमें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए। करने वाले थे यज्ञ, धर्म का आचरण करने वाले थे सारे ऋषिगण, यही कार्य वो कर रहे थे, धर्म का आचरण कर रहे थे। लेकिन सूत गोस्वामी का दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज, धर्म का त्याग करके उन्होंने परम धर्म के विषय में प्रश्न किया कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए, क्योंकि यही परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना परम धर्म है। परीक्षित महाराज को बहुत लोगों ने बहुत सारा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के बाद में शरीर त्याग दूंगा, बताइए मैं क्या करूं, क्या करूं। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। किसी ने कहा आप ये यज्ञ कीजिए, किसी ने कहा आप इस प्रकार का एक व्रत ले लीजिए, किसी ने कहा आप दान कीजिए, किसी ने कहा ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को आता हुआ देखा, सर्वधर्मान परित्यज, ये भी धर्म है जो मनुष्यों के, जो ऋषियों के द्वारा बताए गए थे, ये भी सब धर्म थे अलग अलग, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज। उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कथा सुनी 7 दिनों तक। उन्होंने भी त्याग किया, त्याग करना आवश्यक है। हम लोग त्याग के विषय में ही सुन रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज त्याग है। और परीक्षित महाराज ने भी त्याग किया, निद्रा का त्याग किया। बड़े बड़े राजाओं के लिए ना त्यागने योग्य वस्तु कौन सी है? राजभोग, राजसुख, बड़े बड़े राजाओं के लिए। भोजन भी त्यागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके लिए 156 या इससे भी अधिक भोजन प्रतिदिन बनते हैं, स्वादिष्ट भोजन।
हम लोग कितने प्रकार के भोजन करते हैं प्रतिदिन? 10 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, लेकिन भोजन का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, है ना? मुंह से पानी गिरने लगता है, पानी आ जाता है मुंह में। लेकिन उनके विषय में क्या कहा जाए, जो प्रतिदिन 56 प्रकार के नाश्ते करते थे, 56 प्रकार का भोजन करते थे, तो उसे उन्होंने त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया। कोई संसार का व्यक्ति क्या कहेगा, अरे 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, उसको ले आओ। आपको सही बात बता रहे हैं। किसी का फोन आया हमारे पास में कि उन्होंने कहा हमारे रिलेटिव हॉस्पिटल में हैं और उनके लिए हम भोजन लेके जा रहे हैं, किसी भक्त ने कंठी माला लाके दी है तो उनको हम कंठी माला पहनाना चाहते हैं, तो आप बताइए कि क्या करें उनके लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप भगवान का नाम सुनाइए, तो उन्होंने कहा वो तो चल रहा है, महामंत्र चल रहा है प्रभुपाद जी का। तो मैंने उनसे कहा कि आप कंठी माला पहनाइए, किसी भक्त ने दी है तो, लेकिन भूल के भी उनको लहसुन प्याज खाने मत देना, भूल के भी। उन्होंने कहा कि किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है, तो मैंने कहा भूल के भी लहसुन। तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं जिसको लेके जा रहा हूँ, जो भोजन लेके जा रहा हूँ, ये उनका फेवरेट भोजन है और मेरी सिस्टर ने दिया है और ये तो नॉन वेज है। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है, तो आप इस जगत के सबसे अच्छे बेटे बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? सबसे अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल मत लेके जाना, भले भी वो मांगे तो भी मत लेके जाना। कंठी माला पहना दिए वो तो अच्छा, लेकिन कंठी माला पहनने का कुछ नियम भी होता है कि गले के नीचे ओनियन गार्लिक ना जाए, मांस इत्यादि ना जाए, अन्यथा तो अपराध हो जाएगा। ऐसे काम नहीं करेगी तुलसी माला। वो अच्छी बात है कि मरते समय किसी के पास में ये हो, ठीक है, आप गले से अगर ऐसी बात है तो आप उनके ऊपर रख दीजिए कंठी माला बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन ये सब खिलाइए मत। जैसे ही उनका देह त्याग होगा वो ये नहीं कहेगी मेरी पुत्री सबसे अच्छी है जिसने मुझे मेरे अंत समय में मेरा फेवरेट भोजन खिलाया। जैसे उनकी बॉडी छूटेगी, उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, वो क्या कहेंगे, मेरा बच्चा कितना अच्छा है जो वो फेवरेट भोजन लेके नहीं आया। अगर लेके आया होता, वो बचने में भी तो टाइम लगता है ना, 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं, और उसके बीच में कहीं पे मर गए होते तो आते क्या भगवान के दूत, गले में कंठी माला और यहीं पे मांस है अभी अभी खाया है, तो यमराज के दूत कहीं से आते हैं? भगवान की कृपा हो जाए तो एक अलग बात है। तो लेकिन कोशिश करना चाहिए कि भक्त जब देते हैं कंठी माला तो ये भी बताते हैं कि ओनियन गार्लिक नहीं खाना है, तो जानबूझ के फिर अपराध नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये यहाँ पे कहाँ से पहुँच गए? राजभोग, कितने आगे तक पहुँचे, राजभोग। तो खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परीक्षित महाराज वो सब त्याग के बैठे थे, उन सबको छोड़ के बैठे थे, और 4 दिन की कथा के बाद थोड़ा सा समय दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, रुक गए कथा सुनाते। भगवान श्री कृष्ण की कथा संक्षिप्त में सुना दी, संक्षिप्त में। परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं, आप कथा सुनाइए, मुझे खाने पीने की तरफ थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है, प्यास मुझे थोड़ी भी नहीं सताती है, अब जो मेरे हृदय में प्यास है वो प्यास एकमात्र भगवान की कथा सुनने की है, तो ये सुनाना बंद ना करें, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा को अच्छे से सुनाइए। तो पुनः 10वें स्कंद को सुनाना प्रारंभ कर दिया सुखदेव गोस्वामी जी। तो इसलिए ये परम धर्म है, हम लोगों को भी त्यागना है, अपने भौतिक समय को थोड़ा सा त्यागना है और त्याग के भगवान की कथा को सुनना है। भगवान की कथा में हम लोगों का स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए,
और आगे की कथा सुनेंगे। यहाँ पे हम इसलिए विराम दे रहे हैं, इसके बाद तत्र तत्रां जसायुष्मन् भवदा यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। ये पहला प्रश्न है सुध गोस्वामी का। तो इसलिए हमने विराम दिया कि अब सीधे 6 प्रश्न सुनेंगे आप। अगली कथा में सुत गोस्वामी जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न जिसका उत्तर पूरे श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो अब प्रथम अध्याय में जितने भी श्लोक बचे हैं उन सब की कथा अगले प्रवचन में की जाएगी। तो सुत गोस्वामियों के 6 प्रश्न, सुत गोस्वामी से सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्न। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की श्रील प्रभुपाद की बताए गौर प्रेमानंद। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, लेकिन बीच बीच में हम लोग सुनते हैं सौनक उवाच, सूत उवाच, ऋषय उवाच, विदुर उवाच, मैत्रेय उवाच, ऐसा सुनते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उसने उस व्यक्ति से प्रश्न किया और उसका ये उत्तर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जब धरा धाम को छोड़कर जाने वाले थे, अपने धाम में प्रवेश करने वाले थे, तो भगवान ने उद्धव जी को संदेश दिया, ये ज्ञान प्रदान किया। उद्धव जी मैत्रेय मुनि से मिले तो उन्होंने बता दिया। मैत्रेय मुनि ने पूछा क्या भगवान से मिले, भगवान ने क्या संदेश दिया, क्या उपदेश दिया, तो पूछा उन्होंने, तो उद्धव जी ने उनको सारी कथा को बताया। तो जैसे आप अभी सुन रहे हैं कि सूत गोस्वामी भी इस कथा को सुना रहे हैं, तो बीच बीच में इस तरह से बताया जाता है, ये कथा की शैली है कि उस व्यक्ति ने प्रश्न किया था और उसका इस तरह से उत्तर दिया गया। तो कथा वही है। और एक प्रश्न भी उठता है कि पहले कथा सुनाई गई थी सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, फिर बाद की कथा का कहां से वर्णन आ गया? सुध गोस्वामी ने तो बाद में कथा सुनाई थी। तो बाद या इस पुराण को बाद में लिखा गया, इसके पहले स्कंद पुराण इत्यादि लिखा गया, पद्म पुराण, स्कंद पुराण पहले उसको लिख दिया, उसकी रचना कर दी व्यास देव जी ने, पहले पुराणों की रचना की, तब ये आया भी नहीं था श्रीमद् भागवत, इसकी रचना नहीं हुई थी। और पुराणों की रचना करने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद, फिर व्यासदेव जी बैठे थे निराश होकर कि अभी तक मैं क्यों निराश हूँ, क्यों निराश, मैंने क्या क्या ऐसा कार्य संपादित नहीं किया है कि मेरे मन में शांति नहीं है, निराशा है। और बाद में नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम लिखिए, अभी तक आपने भगवान की कथाओं का निरूपण नहीं किया है। ये बाद तो पूर्ववर्ती पुराणों में, बाद में आने वाले पुराण का महात्म कैसे आया, इसका महात्म फिर कैसे आ गया पद्म पुराण में, कैसे आ गया स्कंद पुराण में, ये तो लिखी नहीं गई थी उस पर। तो इसका ग्लोरिफिकेशन कैसे आ गया वहां पे, ये शाश्वत है, शाश्वत पुराण है, इटर्नल है, हमेशा रहने वाली है, ये इटर्नल पुराण है श्रीमद् भागवतम की पुराण। तो हमेशा केवल इसकी रचना हो गई बाद में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले ये नहीं थी, ये हमेशा विद्यमान रहती है, हमेशा हमेशा। तो अपने मन की बातों को नहीं कहते हैं ऋषिगण। जब कथा को सुनाया जाता है तो मैं कभी ऐसा ना कहूं कि आई थिंक, भक्ति की ये प्रोसेस है अपने मन से कुछ बना के, नहीं, किसी ने प्रश्न किया
बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसी तरह का प्रश्न पहले इस मुनि ने किया था और उसका उत्तर उन्होंने ऐसा दिया। तो यही शैली से कथा सुनाई जा रही है। प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज, प्रश्न कर रहे हैं सुध गोस्वामी से सौनकादि ऋषिगण, इसी तरह का प्रश्न पहले इन्होंने किया था और उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसा दिया है, या उसका उत्तर मैत्रेय जी ने इस प्रकार से दिया है, उद्धव जी ने इस प्रकार से कहा था। तो इस प्रकार से इस कथा को कहा गया है। हमें एक उदाहरण हमेशा याद आता है उन लोगों के लिए, आई थिंक बोलने वालों के लिए, हम कई बार इस उदाहरण को कहते हैं। एक बार जुहू मंदिर में हमारे गुरु महाराज कथा कह रहे थे और किसी ने किसी प्रश्न को करके, महाराज आप इस विषय में क्या कहते हैं, आपका क्या मत है। तो महाराज थोड़ी देर तक शांत थे, फिर महाराज कहते हैं, एक बार एक स्त्री ने रोटी बनाने के लिए डो बनाया, आटा मारा, डो बनाया, और डो बनाते बनाते मेहनत लगती है, पसीना आ गया था, तो पसीना लिया ऐसे उसी डो में मिलाया और बनाया, फिर पसीना आया मिलाया डो में मिलाया बना, कौन खाएगा चपाती। महाराज कहते यदि मैं अपने मन की बात कहूं तो कथा में मैं अपना पसीना मिला रहा हूं, मेरे विचार ये गंदगी है, इसलिए यथारूप में प्रस्तुत करना चाहिए जैसा किसी दूसरे ऋषि ने कहा है, जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथारूप में बिना अपने विचारों को मिलाए यथारूप में बतलाई जानी चाहिए कथा, नहीं तो वो डो में पसीना मिलाना होगा, फिर कौन उस कथा का आस्वादन करेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? आप कुछ जैसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता है जी, वैसे इससे संबंधित है आज के क्लास से संबंधित प्रश्न है, सिंपल है क्योंकि वो अच्छा ठीक, लेकिन आई थिंक देयर इज अ थिंकिंग वो चतुर्श्लोकी भागवतम का भी बताया कि चतुर्श्लोकी भागवतम भी होती है। जी 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 है, चतुर्श्लोकी भागवतम भी है। तो उसकी रचना के श्लोक जो इसी भागवतम में है या उससे पहले का? इसी भागवतम में है। है ऐसा, लेकिन पूरा भागवतम पढ़ेंगे तो अच्छा है। भागवतम का श्लोकार्ध में विचार, एक श्लोक क्या आधा श्लोक भी बोलेंगे तो भी कल्याण होगा। श्लोकार्ध में विचार, चतुर्थ श्लोकी भागवतम, चतुर्थ श्लोकी भगवद गीता लोग बोले और लोगों को बोलने से मुक्ति प्राप्त हो या भक्ति प्राप्त हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जब लोग इसे कहना प्रारंभ करते हैं, जब लोग इसका अर्थ जानना शुरू करते हैं, वो इतना अच्छा अर्थ है। जब भगवान के विषय में पढ़ा, श्रीमद् भागवतम की चतुर्थ श्लोकी को पढ़ के, भगवान की ये क्वालिटी है और जानना चाहिए भगवान के विषय में, तो फिर वो पूरी भागवतम पढ़ने लगते हैं, पूरी भागवतम, पूरी भगवद गीता सुनना प्रारंभ कर देते हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में इतना रस, तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता में कितना रस नहीं होगा। तो चतुर्थ श्लोक की ये कह के एक स्पेशल दिया जाता है लोगों को, ठीक है। लेकिन जब लोग एक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, फिर उनकी इच्छा होती है वो पूरा क्यों ना पढ़े। जैसे उदाहरण के लिए भक्ति शास्त्री है, भक्ति सदाचार है, लोग आते हैं, लोग ये कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर कोर्स खत्म करने के बाद वो इतना आनंद है, इतना रस है, तो क्यों ना हम आगे भी करें, भक्ति वैभव करते हैं। पहले भक्ति सदाचार, सबसे कम दिन में खत्म होने वाला कौन सा है, वो भक्ति सदाचार। चलो भक्ति सदाचार कर लेते हैं, कर लिया भक्ति सदाचार, इसके आगे के भक्ति शास्त्र
चलो फिर सदाचार कर लिया, आनंद आया, भक्ति शास्त्री कर लिया। जब भक्ति शास्त्री खत्म हुआ तो भक्ति वैभव क्यों ना फिर कुछ आगे का करें, भक्ति वेदांत चलो क्यों ना वो करें। तो उसी प्रकार से चतुर्थ श्लोकी पढ़ने के बाद और अनुराग उत्पन्न हुआ, तो क्यों ना पूरे भागवतम पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो यही है ना, पूरे ग्रंथ में है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की।